मालिक नाम का सुमरन, इंसान को वो निगाह बख्शता है जो इस फानी दुनिया में भी लासानी नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। इंसान के जितने भी पाप कर्म होते हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे वल्ला वाहिगुरु राम का नाम जपता चला जाता है। साईं मस्ताना जी महाराज ने, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने इतना आसान तरीका बताया है कि अनपढ़ से अनपढ़ और छोटा बच्चा भी उस मालिक के पवित्र नाम का जाप कर सकता है, उस नाम को याद कर सकता है। बहुत ही कम अल्फाज हैं, बहुत ही कम शब्द हैं जिनके द्वारा परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। फिर भी इंसान अगर नाम का सुमरण ना करे तो ये उसके पाप कर्म या यूं कह लीजिए उसके मन की वजह से है। कितना जोर लगता है अगर आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मालिक के नाम का सुमरण करें। और भी तो कार्य करते रहते हो, गप शप मारने के लिए तो सारा टाइम आपके लिए फ्री होता है, इधर उधर की बातें करने के लिए, लेग पुलिंग टांग खिंचाई करने के लिए आपके पास बड़ा समय होता है, पर परमपिता परमात्मा को जब पाना है, उसकी याद में बैठना है, तो आप लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। ये फजूल के बहाने हैं, समय तो है पर आपके शायद कर्मचक्र, आपका मन आप पे हावी है जिसकी वजह से आप उस परमपिता परमात्मा का नाम नहीं जपते। कितना फायदेमंद है, शरीर की तंदुरुस्ती देता है, आत्मिक शांति देता है, शरीर को शक्ति देता है, आपके हर कार्य में आपकी मदद करता है। आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यापारी या फिर आप किसान हैं या पढ़ने वाले बच्चे, अगर ईश्वर के नाम का जाप करो तो 100% आपको फायदा होगा ही होगा, नुकसान हो ही नहीं सकता। मालिक का नाम आपको देता है, आपसे कुछ लेता नहीं, फिर भी आप मालिक का नाम नहीं लेना चाहते। मालिक के नाम के लिए ना घर छोड़ना, ना परिवार छोड़ना, ना कपड़े बदलना, ना कोई ढोंग रचना, फिर भी आप मालिक का नाम नहीं। तो भाई बन सकते हो, आप इंसान हो, लेकिन तभी संभव है जब अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो, अपनी हवस पे काबू पाना सीख लो और सेवा सुमरण में ध्यान लगाना सीख लो। तो अपने अंदर की बुराइयां दूर कर सकते हो, तो अपने गुनाहों को धो सकते हो, तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बना जा सकता है और खुशियों से मालामाल हो सकते हो।